हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज मैंने बनाया है मैथ में शेयर कार्ड, जिसमें काफी आसान है गाइज, और हाँ ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए मैं आपको इसे बना करके दिखाता हूँ। तो गाइज, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मैच बॉक्स ले लिया है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर फेविकॉल लगा लेंगे एक के ऊपर, और हम लोग इन दोनों को कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी से चिपका लेता हूँ। हम लोग कुछ इस तरीके से दोनों साइड को रखते हुए यहाँ पर इसे चिपका लेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इसे चिपका लिया है। फिर इसके बाद मैं एक नोटबुक का पेज ले लूँगा और उसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर फोल्ड कर लूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी से फोल्ड कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे बीचों बीच यहाँ पर इसे फाड़ लेंगे, जैसे कि आप सब देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसे फाड़ लिया है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक पेन का इंक ले लेंगे और हम लोग यहाँ पर इसे रखते हुए कुछ एक पतला सा रोल बना लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे पतला सा रोल बना लेता हूँ। फिर मैं इसे फेविकॉल की मदद से यहाँ पर चिपका लूँगा। मैंने यहाँ पर इसे चिपका लिया है। फिर इसके बाद इस पतले रोल को यहाँ पर हम लोग इस मैच बॉक्स के ऊपर रख करके देख लेंगे कि इसका कितना साइज आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे मार्कर की मदद से यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मार्क लगा करके यहाँ पर सीजर की मदद से यहाँ पर कट कर लिया है। इसी साइज का यहाँ पर हम लोग दूसरे रोल पीस को भी यहाँ पर कट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी से कट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर फेविकॉल लगा लेंगे साइड वाले हिस्से पर, और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर एक पीस को चिपका लेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले पीस को भी चिपका लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर चार बॉटल कैप्स ले लिया है। फिर हम लोग सभी के ऊपर मार्कर की मदद से यहाँ पर बीच में मार्क लगा लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी से मार्क लगा देता हूँ सारे के ऊपर। फिर हम लोग एक स्वीक मदद से यहाँ पर इसमें होल बना लेंगे। इसी तरीके से हम लोग सारे बॉटल कैप्स के ऊपर होल बना लेंगे। होल काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए गाइस, नहीं तो यहाँ पर ये ढीला हो जाएगा। इसे होल को हम लोग छोटे रखना है। फिर हम लोग यहाँ पर अगरबत्ती के कांटे ले लेंगे और हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे फंसा लेंगे। अगरबत्ती के कांटियों को कुछ इस तरीके से डालते रहेंगे। फिर हम लोग इसमें कुछ इस तरह से रोल में फंसा लेंगे और इसी तरह से हम लोग डाल देंगे रोल में, और दूसरे वाले बॉटल कैप को भी कुछ इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे। और ये हमारा जो यहाँ पर फ्री रहना चाहिए ताकि ये चक्का जो है आसानी से मूव कर सके, ये फंसना नहीं चाहिए। तो गाइज, मैंने यहाँ पर बॉटल कैप्स को उल्टा कर दिया क्योंकि ये जो है फंस रहा था, अब ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है जैसे कि आप सब देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर सारे बॉटल कैप्स के ऊपर यहाँ पर फेविक्विक चिपका फेविक्विक लगा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए और ये हिले डुले नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर चारों बॉटल कैप्स के ऊपर लगा लेंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेन का लीड ले लिया है। हम लोग इसे कुछ इस तरीके से यहाँ से मोड़ लेंगे लाइटर जला करके। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी से मोड़ लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे मोड़ लिया जैसे कि आप सब देख सकते हो। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक बैलून ले लूँगा और मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे कट कर लूँगा। यहाँ पर इसे कट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया गाइस। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें डालते हुए और हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे ताकि जो हमारा एयर जो है लीक ना हो, और मैं इसे जल्दी से यहाँ पर मोड़ लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसे मोड़ लिया है। फिर हम लोग यहाँ पर एक रेड कलर का इलेक्ट्रिक कलर से रेटेप्स ले लूँगा ताकि देखने में अच्छा लगे, और मैं इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर चिपका लूँगा। और यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से चिपकाना है गाइस, नहीं तो यहाँ पर एयर लीक करेगा तो हमारा जो कार है वो आगे नहीं जा पाएगा गाइस। फिर इसके बाद गाइस, हम लोग इसमें एयर भर करके यहाँ पर हम लोग इसे चेक कर लेंगे कि ये लीक नहीं होना चाहिए, और हम लोग इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखते हुए सेलोटेप की मदद से यहाँ पर इसे चिपका लेंगे। तो गाइस, हमारा जो कार यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसे अब टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हो हमारा जो एयर पावर्ड कार है ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से तेज़ी से चल रहा है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।